वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो है वो मूड बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का ये सुन के कि आज सलाम पाकिस्तान के किचन में आपको क्या स्पेशल चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और बहुत खुशी के साथ मुझे कहना चाहिए, बल्कि मैं फ़ख्र से ये बात कह रही हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर की मुख्तलिफ़ लोगों ने अडॉप्ट की और उन्होंने उसको अपनाया। और वहीं ख़ास तौर पर हमारे जो खाने हैं, जो हमारी मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, जो हमारी तहजीब को बताती हैं, लोगों को बताती हैं, इसके साथ साथ जो है वो हमारे टेस्ट की भी नुमाइंदगी करती हैं कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनके किस तरह की टेस्ट हैं। मुख्तलिफ़ आप पंजाब चले जाएँ, आप सिंध चले जाएँ, आप के पी चले जाएँ, आपको मुख्तलिफ़ तरह के खाने मिलेंगे। फिर उनके लवाजमात बड़े मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं, मशरूबात बड़े अलग अलग हैं। जब गर्मी की बात आती है तो हमने हमेशा ये बात कही कि जब गर्मी शुरू हो जाए तो अपनी ग़ज़ा को लाइट रखो, हल्की ग़ज़ा का इस्तेमाल करो। जब हम लाइट ग़िज़ा की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता शायद खिचड़ी है, दाल चावल है, ये तमाम चीज़ें। और इसके साथ साथ इनके जो लवाजमात हैं उनमें भी बड़े हम रिच हैं। हमें अचार भी चाहिए, हमें चटनी चाहिए, फिर दाल चावल के साथ पापड़ की ज़रूरत होती है, मुरब्बे की ज़रूरत होती है। तो आज हमने सोचा, अब आम का भी सीज़न है, कैरियाँ भी आ चुकी हैं, तो ये जो अचार है, ये जो हमारी एक ख़ास हिस्सा है, लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तब भी जो है अचार के गिफ्ट्स लेके जा रहे होते हैं। आज मेरा पूरा सेट भी जो है वो अचार की खुशबू से महक रहा है। आप घर में अचार कैसे बना सकते हैं और किस किस तरह के मुख्तलिफ अचार हैं जिस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, आज तमाम डिटेल्स इन लवाजमात के, इन चटखारेदार चीज़ों के बारे में हम आप तक पहुँचाएँगे। और ये आप तक पहुँचाने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो माशाल्लाह से ख़ानदानी इनका ये काम है। कराची के एक बहुत जो है मशहूर इलाका है जहाँ पर इनकी शॉप भी मौजूद है, मैं भी वहाँ जाती हूँ चार लेने, आप लोग भी ज़रूर जाते होंगे। और इसके साथ साथ जो है इनकी शॉप पे क्या कुछ मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये आज हमें बताएंगे, इस हवाले से इनसे बात होगी। ताहिर साहब को वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम ताहिर साहब, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये जो अचार है, अच्छा मैं जितनी बार अचार का नाम ले रही हूँ ना, मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है। ये देखिए अब ये कितनी जो है वो डिफरेंट सी बात है। और ये चीज़ें खाने को हजम भी करती है। अचार जो है इसके ज़रा फ़ायदे तो बताएं। अचार हाजमे के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। इसमें लहसुन है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें अचार ये देखिए लहसुन है, ये लहसुन है, ये सिरके में, विनेगर में, ठीक है। आप नार्मल दो तीन दाने खाएँ, बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फायदेमंद है ये। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये आपने जो है ये व्हाइट विनेगर लिया है ना? व्हाइट विनेगर है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मली अचार जो है, अगर विनेगर के अलावा मैं आपसे बात करूं, अब विनेगर अचार है, वरना इससे पहले तो लोग इतना विनेगर अचार नहीं इस्तेमाल तेल में बनाते थे। तेल से ऑयल कॉन्शियस लोग हैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत से लोग, तो तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारा हैदराबादी अचार है, हैदराबादी। अच्छा, हैदराबादी खाने और उसके साथ साथ जो दिल्ली वाले खाने हैं, इनके बड़े अपने मुख्तलिफ अंदाजी, कौन सा अचार? ये मिक्स अचार है, हैदराबादी मिक्स अचार है। इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल है कि आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इस अचार को ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ इस अचार? ट्राई करेंगे। ओके, मिक्स अचार, मुझे खुद बहुत अचार पसंद है। अचार हो, आलू बुखारे की चटनी हो, आम का मुरब्बा हो, कितनी भी सादा ग़ज़ाएँ आप खाएँ और उसके साथ अगर आप इन लवाजमात का इस्तेमाल करते हैं, कचूमर सैलड है तो वो आपके उस मील को जो है वो और मज़ेदार बना देती हैं। और आई थिंक ये लाइट है, जल्दी हजम भी हो जाती है, तो गर्मी में इन चीज़ों का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम स्पून लेते हैं और इसको लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो अचार हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मैं अभी इनकी तरफ भी आऊँगी, आप कितना अर्सा हो गया आपको? हमारे वालिद साहब, दादी ने शुरू किया था हैदराबाद कॉलोनी में 1950 में। हैदराबाद कॉलोनी में, जहाँ अभी भी आपकी शॉप है, दक्कन अचार घर के नाम से मेरी शॉप है। ओके, और 1950 में उन्होंने शुरू किया था, पूरा अचार का पूरा है। आज जो है हमारी शॉप पे 28 से 29 किस्म के अचार हैं। सीजन में चिकन है, झींगा है, गोश्त है, मछली का है, मुख्तलिफ वैरायटी, बेइंतहा वैरायटीज रखी हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं चिकन का अचार और झींगे का अचार, तो ये तो मैंने कभी नहीं खाया, कभी ट्राई नहीं किया। आपके पास है? यहाँ अभी मौजूद नहीं है चिकन, वो मतलब के ऑर्डर्स पे हम तैयार करते हैं, बाकी शॉप पे होते हैं। ओके,
क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा थी, ये पूरे शो आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ अचार है, बहुत सारी चीजें जिस तरह आज मैंने कभी नहीं सुना, झींगे का या गोश्त का अचार, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज एक रेसिपी भी आपको बता रहे हैं और वो बड़ी ही जबरदस्त सी चटखारेदार रेसिपी है, तो उसको भी साथ साथ स्टार्ट करवाते हैं। क्या रेसिपी बना रहे हैं? हैदराबादी बघारे बैंगन खट्टे बैंगन। हैदराबादी बघारे बैंगन खट्टे बैंगन। So, आज इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर होगी, अचार के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें, आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी, बाकी बातें चलती रहेंगी। पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओके, बघारे बैंगन। बघारे बैंगन ठीक है। क्या कुछ आप इसमें ऑयल ऐड कर, ऑयल डालेंगे हम? इतना सारा ऑयल? ऑयल इसमें ज़्यादा होना चाहिए, खुशबू अचार बघारे बैंगन की एकदम खुलती है। ऑयल इसके बिल्कुल क्या नाम है इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें तलना पड़ते हैं बघारे बैंगन। तकरीबन मैं अगर ये कहूँ अप्रॉक्स एक कप, एक नॉर्मल जो चाय का कप, चाय का कप जो है नॉर्मल चाय का कप ऑयल लें, ऑयल ले लें आप। और ये प्याज अभी तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तेल जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा, तो इसमें आपने कितना प्याज लिया? ये एक से दो डाल ली, एक से दो प्याज, आधा किलो बैंगन है, आधा किलो बैंगन। अच्छा, ये बैंगन बैंगन जो आपने लिए हैं ये वो नहीं है वो जो नॉर्मली जो ये हरे बैंगन हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद दक्कन हरे बैंगन इस्तेमाल करते हैं, ये हरे अच्छा। बैंगन आते हैं, ये हमारी मखसूस मतलब हमारी तरफ ये मिलते हैं और कहीं पूरे पाकिस्तान में कराची में कहीं नहीं मिलेंगे, ये हैदराबादी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, ये कहाँ से लेने पड़ेंगे, इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? जेल रोड पे है हमारी शॉप है, उसके आगे ही विजिट सब्जी की दुकान है, उस पर मिलते हैं सब हैदराबादी, जितने पूरे पाकिस्तान से कराची से जितने भी आते हैं सब हाँ। वहीं से आके सामान लेते हैं। अच्छा, तो इतना जुल्म ना करें, इतनी दूर आना पड़ेगा, हमने सब्जी वाली को नॉर्मल बैगन में बन सकते हैं, जो वेजिटेबल मंडी है वहाँ से। अच्छा, नॉर्मल जो नॉर्मल बैगन में भी बन सकते हैं, ये ओरिजिनल रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी में लेके आया हूँ ओरिजिनल। अच्छा, ये आपने इसको कट भी लगाया हुआ है, इस पे भी पहले आप हाँ ये देखें आप, इसको इन्होंने इस तरह से कट लगाया हुआ है, मेरा कैमरा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये इस तरह इसको कट लगाया जाता है। इसके पहले आपने डेट इसकी निकाली, ओके, फिर इसे आप कट लगाएंगे, क्योंकि कट से जो है मसाला अंदर जाता है पकने के दौरान, जो ना गलने में भी आसानी होती है, वरना बैगन जो है गलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके, इसमें जो है इसको हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं, क्योंकि ऑयल ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये इसका कट लगाते हैं, चार कट लगाते हैं इसको। ओके, सही। बहुत से तरीका ये है कि अभी इसने कट लगाया, ऐसे ना हो कि जब आप इसको खाएं तो ये अंदर से फीका फीका रहे, इसलिए इसको कट लगाया जाता है ताकि मसाला अंदर तक रह सके। बहुत से हमारे जो बनाते हैं इसमें से हम ये बीज निकाल देते हैं, इसके अंदर मसाला भर के तैयार करते हैं। ओके, फील करते हैं मसाला इसके अंदर और फिर इसके बाद तैयार करते हैं मसाला। ओके, हम जो बना रहे हैं हैदराबादी जो हमारी शादी ब्याह तकरीबात में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उस तरीके से मसाला तैयार कर रहे हैं। अच्छा, राइट जनाब। तो वैसे अगर आपके पैन में पानी हो तो कभी भी ऑयल मत डालें, पहले पैन को अच्छे से ड्राई कर लें, अदरवाइज ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। किचन में बहुत एहतियात से आपको काम करना चाहिए, बाल बांध के, मैं बार बार कहती हूँ, हम शो कर रहे होते हैं इसलिए ऐसे आते हैं, अदरवाइज एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उछल के ऑयल जो आता है ना ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ऐसी कंडीशन हो रही हो आप अपना स्टोव बंद कर दें और इसको लिड से कवर कर दें, ठीक है। आई थिंक अभी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अब हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। राइट जनाब, लाइए मैं इसको चलाती हूँ। ओके ठीक है। अच्छा, तो पहले एक कप तकरीबन ऑयल लिया आपने, अब आप इसमें प्याज डालेंगे, प्याज फ्राई करेंगे हल्की सी, थोड़ी प्याज तैयार हो जाए गल मतलब के लाली आ जाए, तो इसमें कड़ी पत्ता बैगन जो हमारे रखे हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये बता दीजिए। इसमें तिल है, धनिया है, ठीक है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, कलौंजी है, ये हमारी रेसिपी मसाला होता है, ये हमारी शॉप पे होता है, ठीक है, बघारे इसमें खशखश वगैरह सब डालिए। अच्छा, इसमें क्या कुछ है? तिल, फली, खोपरा, खशखश, पिसा हुआ खोपरा भी है इसके अंदर, ओके, और हल्दी है, लाल मिर्ची है, नमक, ये है, स्पेशल अचार मसाला, स्पेशल साल बघारे बैंगन मसाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछ लूंगी, मैं बताऊं, आप एक बार बताएं उसके बाद मैं बताऊंगी। इसके अंदर तिल है, तिल हल्दी है, खोपरा, ओके, खशखश है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, नमक है। अच्छा, तिल, फली, खोपरा, खशखश, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, सात चीज़ें देखिए मुझे याद हो गई यार, अब मैं भूल गई हूँ आप लोगों को बताने के बाद, ज़रूर नोट कर ले और हम रिपीट भी कर देंगे एक बार फिर से। ये स्पेशल बघारे बैंगन का मसाला है जो आपने इस बघारे बैंगन में डालना है, बहुत ख्याल से एहतियात से काम किया कीजिए। अच्छा, ये ऑयल बड़ा गुस्से में है आज, आज बहुत गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। तकरीबन दो प्याज जो हैं वो इन्होंने लिए हैं, डली लिए हैं और इसको बहुत बारीक भी नहीं काटा, चॉप भी नहीं किया, जिस तरह आप नॉर्मली सालन के लिए काटते हैं इस तरह डाला है और ये फ्राई हो रहा है।
ओके अच्छा बघारे बैंगन जो है नॉर्मली लोग लेकर इसको फ्रिज में रख देते हैं, इसको ऐसे जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप 15 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। मेरी शॉप पे ये ऑलरेडी तैयार आपको मिलेगा, ठीक है। हैदराबादी बघारे बैंगन और बघारी मिर्चे, इसके अलावा आलू बुखारे की चटनी, या ज्यादातर जितने कैटरिंग्स जो कराची में सब मेरे पास से शॉप से लेके जाते हैं। अच्छा ये जो है इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन किस चीज का, जिस तरह अचार तो है वो आप खिचड़ी है दाल चावल है मुख्तलिफ चीजों के साथ खाते हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन? कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। ओह वेरी नाइस, उसके साथ खाई जाती है। अच्छा और हैदराबादी कॉलोनी में मिलती भी है कच्चे गोश्त की बिरयानी, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे आपको मिलती है जो आप खा सकते हैं। उसको बनाने का भी खास तरीका है, वो हर शख्स नहीं बना सकता, उसमें भी वो चावल की कनी छोड़ के, वो मैंने काफी उसमें बनाया है, काफी शोज में बनाई है हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो आप इसके लिए कह रहे हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कच्चे गोश्त की, कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, जो हैदराबादी ज़ाफ़रानी पुलाव भी कहलाता है। ओके उसके साथ जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो जैसे आपकी मर्जी है, आप जिस कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल कर सके। 15 दिन तक आप कह रहे हैं इसे सेव कर सकते हैं? 15 दिन तक फ्रिज में रखें, इस्तेमाल करते हैं खराब होता नहीं है। ओके राइट वेरी नाइस। प्याज जो है ये कितना हमें करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगी बस हो जाएगी। ओके अच्छा अचार जो है अभी जिस तरह कैरी का सीजन है, कैरी आ चुकी है और लोग अपने घरों में अचार डालते हैं, कहते हैं अचार, कुछ लोगों के हाथ ऐसे होते हैं जिससे अचार डल जाता है, कुछ लोगों के हाथ से अचार डलता ही नहीं है वो ख़राब हो जाता है, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाती है, तो कोई ख़ास तरीका अचार बनाने का घर में? अचार घर में बनाएं कैरी काटें, लेकिन जो बनाए वही अपने हाथ से निकाले वही इस्तेमाल करें, क्योंकि अदर मतलब कि आपने रेसिपी तैयार की जैसे ये, ठीक है, आप ही निकाल के डिश में मतलब दें। ओके और कोई और दूसरा हाथ ना डाले उसके अंदर, ठीक है, और धूप में रखें इसको। नहीं आप शुरू, मैं पूरे तरीके का जानना चाहूंगी आपसे। अचार कैरी काटी, हमने नमक लगाया हल्दी लगाई, ओके रख दिया इसको, इसमें ग्लूकोज होता है जो ग्लूकोज इसका आउट हो जाता है कैरी का, okay, और प्रिजर्व हो जाती है कैरी। कैरी को प्रिजर्व होने के बाद हमारे हैदराबादी जो तरीका है उसमें हमने कैरी ली, लहसुन पेस्ट डाला, okay, लाल मिर्ची हल्दी नमक कलौंजी मेथी दाना ये चीज़ें डालने के बाद पिसा हुआ और अच्छी तरह मसाला तैयार किया, फिर उसके बघार तैयार किया जाता है उसका, ठीक है। तेल चढ़ाया हमने, गोल होल मिर्च आती है वो, जीरा लहसुन और मेथी दाना साबित कलौंजी साबित ये तैयार करके उसे बघार दिया जाता है अचार को, अचार को बघार दिया जाता है। ओके राइट, पहले आपने जो है इन्होंने कहा हल्दी नमक और लगाकर आपने इसको धूप में रखना है ताकि इसका जो पानी है कैरी का वो सूख जाए अच्छे से, जब वो ड्राई हो जाएगी इसको धूप में रखें 1 से 2 दिन? जरूरत नहीं है, हैदराबादी अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं, धूप में रखने की। अच्छा जो नौ ये जो अचार है ये कौन सा है? हैदराबादी अचार, ये हैदराबादी अचार। अच्छा ये जो इसमें ऑयल का जो रंग लाल लाल सा है ये लाल मिर्ची की वजह से, रेड चिल्ली होती है इसके अंदर, रेड चिल्ली का पेस्ट मसाला इस्तेमाल किया जाता है मसाला तैयार किया, और जब तेल इसमें ऐड किया जाता है तो ये अचार जैसे घर की हांडी लाल हो जाती है पकने के बाद, उसका लाल रंग आ जाता है। अच्छा तो आपने ये किया कि पहले उसको आपने हल्दी और नमक लगा के रख दिया, उसके बाद फिर आपने उसमें इस ऑयल का भगार लगाया, ये तमाम मसाले डाले, मसाले डालने के बाद, ओके, और उसके बाद फिर आप इसको रख देंगे तो फिर उसमें अचार पकता है। और एक नॉर्मली बड़ा देसी तरीका भी होता है घर में जो सरसों के तेल में ऑयल बनाया जाता है, जरा इस रेसिपी को हम कवर कर लें फिर हम वो भी जानेंगे। ओके हमने कड़ी पत्ता ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ओके, और आपने तकरीबन कितना आई थिंक 10 से 12 दाने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें, ये बैगन इसमें हमने ऐड किया है। ओके वेरी नाइस, ये खास बैंगन है। अच्छा नॉर्मली भगारे बैंगन में छोटे छोटे बैंगन ही होते हैं, बड़े ज़्यादा बड़े इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो गलने में टाइम लगता है, और दूसरा ये कि उसे काटते हैं ना तो जो ये शेप आता है इसका बैंगन का जी ये नहीं आता। Okay. सालन में ये चाहिए हैदराबादी है। जितने भी जो खास हैदराबादी लोग हैं वो यही पसंद करते हैं, उसके अलावा नहीं। अच्छा राइट राइट, अच्छा ये जिस तरह खास हैदराबादी बैंगन है, आपने वो खट्टी मिर्चों का, खट्टी मिर्चों का सालन भी होता है, और क्या क्या होता है हैदराबादी खानों में? हैदराबादी खानों में माई खलिया हैदराबादी मछली का सालन बनता है, माई खलिया कहलाता है वो, क्या होता है मछली का बनता है गोश्त का बनता है, हैदराबादी खट्टी दाल है, सही, दम के कबाब है, दम का खीमा है, और हैदराबादी पुलाव है, मतलब 80-90 खाने हमारे जो ऐसे हैं जो हैदराबादी दक्कन जो है, हैदराबादी कड़ी है, कड़ी है वेरी नाइस, बेसन की कड़ी बनती है, चावल की कड़ी बनती है। अच्छा बेसन की कड़ी तो वो होगी ना जो पकौड़ों वाली कड़ी होती है, लेकिन
जो दूसरी बनती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हैदराबादी स्टाइल की कड़ी जो होती है बहुत मुख्तलिफ होती है, 4 से 5 घंटे उसे पकने में दही को तैयार होने में लगते हैं। okay. आप पकाते हैं उसको दही को। ठीक है, जिस तरह हर किसी का अपना अपना एक कल्चर है, अपनी एक रिवायत है, जो पंजाबीज हैं उनकी अलग चीज़ है, जिस तरह सरसों का साग है, मकई की रोटी है, लस्सी है, वो उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो उनकी खास चीज़ें होती हैं। इसी तरह हैदराबाद दक्कन के लोग हैं, उनके अपने जायके हैं, अपने खाने हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जायके हैं, और आप ज़रूर इनको ट्राई करें। अब आप इसमें क्या डाल रहे हैं? इमली का पेस्ट बना हुआ है हमारा। किसका? इमली का, कच्ची इमली का पेस्ट होता है। okay. ये सीजन आता है तो हम कच्ची इमली में बनाते हैं, वैसे पकी इमली में तैयार करते हैं। कैसे? आपने इमली को पानी में भिगा दिया। ओके okay. और क्या नाम है, इसे उबाल लिया, उबालने के बाद इसका पेस्ट निकाला, इसमें हरी मिर्ची थोड़ी सी पका दी, तो हरी मिर्ची का टेस्ट आता है इसके अंदर। ओके ओके, अच्छा ये जो इमली पकानी है ना, इसका तरीका एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। अब आप इसमें पानी शामिल करें, थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो दोबारा से हम रेसिपी भी रिपीट करवाएंगे, और अचार बनाने का आसान तरीन तरीका क्या हो सकता है जिससे अचार ख़राब ना हो, ये भी जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज हम स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए पेश करें जिसमें अचार बनाने के तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे, मुख्तलिफ अचार कैसे आप बना सकते हैं कि आपका अचार भी ख़राब ना हो। इसके साथ साथ चटनियों के तरीके, भगारे बैंगन आज की खास रेसिपी है, ताहिर साहब जो एक्सपर्ट हैं इन तमाम चीज़ों के, ये आज हमें बता रहे हैं। ओके, अब इसमें आप क्या शामिल करें? मैं भी रिपीट करवाती हूँ। ओके, इस मसाले में आपने क्या कुछ डाला था एक बार फिर से बताइए। तिल है, फली है, खोपरा है, ओके, खसखस है, ठीक है, नमक है, लाल मिर्ची है, हल्दी है। ओके, ये सब चीजें इनको आपने पीस के पेस्ट बना ले, इन चीजों को अलग अलग भून लें, भूनने के बाद इसे पीस के इसका पेस्ट बना के पाउडर कर लें। ओके राइट, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने इतनी चीजें डाली हैं इसको आप एक बार फिर से रिपीट करें देखने वालों के लिए, तो आप शुरू से बताइए कि आप पहले आप हमने तेल लिया, तेल लेने के बाद इसमें हमने प्याज फ्राई की, प्याज लाइट ब्राउन हो गई, लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें हमने कड़ी पत्ता डाला, उसे अच्छी तरह भुना, भुनने के बाद बगारे बैगन डालने के बाद अच्छी तरह से हमने पकाया, पकाने के बाद इसमें हमने ऐड किया, 10 से 15 मिनट पकाएं, उसके बाद इसमें हम रेसिपी जो मसाला है वो इमली का पेस्ट जो हमने ऐड किया, और रेसिपी मसाला इसका जो हमारा रेसिपी मसाला है इसमें तिल है, फली है, खोपरा है, खसखस है, ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने दम पर रख दिया। ठीक है, अच्छा बहुत आसान है, आपने प्याज ब्राउन करना है नॉर्मल खाने की तरह, प्याज जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा काला नहीं करना आपने, वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज करे, आपने उसमें कड़ी पत्ते डालने हैं, कड़ी पत्ते जैसे ही कड़कड़ाएंगे आपने इसमें ये जो बैंगन है, स्पेशली ग्रीन कलर के छोटे बैंगन इन्होंने लिए हैं, ये आपने डाल के उसको अच्छे से भूनना है 5 से 10 मिनट, के बैंगन जो है वो अपना कलर चेंज करने लग जाएंगे। जब वो हल्की सी भुनाई होगी फिर ये जो इमली का इन्होंने पल्प बनाया था, इमली को इन्होंने पकाया है और उसको चूल्हे पर आप पका लें और उसमें हरी मिर्चें भी ऐड करें, हरी मिर्ची ऐड करें, टेस्ट आ जाएगा। वो पल्प आप सीडलेस करके, वो इमली का पल्प तकरीबन आधा कप इन्होंने था वो इन्होंने इसमें ऐड किया है, और उसको शामिल करके हल्का सा भूना है, थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि बैंगन गल जाए, उसके बाद एक मिक्स मसाला था जो इन्होंने इसमें शामिल किया, जो ख़ास इसकी जो है ना रेसिपी है, उन मसालों के बगैर इसका कोई जायका नहीं, तो वो मसाले मेरी फरमाइश पर एक बार फिर से बता दीजिए। आप पहले तिल ले लें, तिल लेकर अच्छी तरह भूनें, उसको भूनने के बाद अलग निकाल लें, तिल है, फली है, खोपरा, सबको अलग अलग भूनना है, ठीक है, खसखस भूननी है, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी उसमें ऐड करनी है। okay. अच्छा मसाला तैयार, पीसने के बाद पाउडर बना लें, पाउडर इस तरह बनेगा, इसमें डल्ले बन जाते हैं, लेकिन इसे आप हाथ में मसलेंगे तो पाउडर शेप में आ जाएगा। सही, पाउडर शेप में हल्का थोड़ा सा धनिया पाउडर जो होता है वो ऐड कर दें, वो ऐड कर दें। तकरीबन आधा किलो बैंगन इन्होंने लिए थे, और ये आप देख सकते हैं ये छोटी सी प्याली है, इतना तकरीबन इन्होंने इसको भर के मसाला लिया है जो इसमें ऐड किया है, और बहुत ही लजीज ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। कितने देर में रेसिपी तैयार हो जाती है ये? तकरीबन आधे घंटे में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, अगर आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार करके इसके रखे अपने पास। ओके राइट, और इसको आप आराम से सेव कर सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, 10 से 15 दिन आप इसे खा सकते हैं। अच्छा, इसको गर्म तो नहीं करते नॉर्मली फ्रिज से निकाल के? नॉर्मली फ्रिज से निकालते हैं तो राइस वगैरह, तो आपकी बिरयानी, अगर बिरयानी हो ये तो गर्म ही होती है, इसे हल्का सा आप जो है माइक्रोवेव में गर्म कर लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, वरना जिस बॉल में रखें दूसरे पैन में पानी लेके बॉल को उसके अंदर रख के गर्म करें, डायरेक्ट चूल्हे पे गर्म करने से पका हुआ साले नहीं, इसमें दोबारा गर्म करने से
खराब हो जाता है और ठंडा गर्म होने से वो बार बार खराब हो जाएगा। अच्छा आज यहाँ हम आपको, क्योंकि अभी कैरी का सीजन है और आई थिंक सबसे ज्यादा जो अचार खाया जाता है वो कैरी का ही अचार है, सो आज उसकी भी आपको रेसिपी, जो हैदराबादी कैरी का अचार है वो कैसे बनता है ये भी आज आपको यहाँ पर हम इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करेंगे। वो स्टार्ट करें ताहिर, अगर आप अभी बनाना चाहें जब तक ये पक रहा है। ओके, इसको ये थोड़ा सा इस वक्त, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम होगा, ठीक है। ऑलराइट जनाब, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी दूसरी रेसिपी है, ठीक है। और इसमें हम लाल मिर्ची, अच्छा ये आप देख लीजिए, ये कैरी का अचार बनाने का तरीका है, लाल मिर्चें, लाल मिर्ची पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची, ओके, आधा चम्मच हल्दी, राइट, धनिया है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा कूट लेंगे। ये साबुत धनिया है, इसको आप थोड़ा सा साफ कर लें, क्योंकि इसमें वो डंडी वगैरह भी होती है, इसलिए थोड़ा साफ ले लें। और धनिया को भून लेंगे तो और अच्छी खुशबू आ जाएगी। इस मसाले सारा भुना हुआ होता है, सारा भुना हुआ होता है, इसीलिए तो इतनी अचार की खुशबू आती है। अचार की बोतल खुलती है तो महकने लग जाता है आपका घर के, पता वो चलता है कि अचार आज जो है वो खाया जा रहा है। अच्छा ये धनिया कूट रहे हैं, ये देखें आप, ये कैरियाँ हैं और इसमें इन्होंने लाल मिर्चें और हल्दी, हल्दी बड़ी ख़ास चीज़ है, इसको गलाती भी है, हल्दी और लाल मिर्चें इन्होंने कैरियों में शामिल की हैं और कैरियों को इस तरह इन्होंने काटा है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़े क्यूब्स भी नहीं है, राइट। धनिया तकरीबन एक चम्मच ले रहे हैं हम, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच धनिया ले रहे हैं, ओके, धनिया जल गया इसमें, राइट, ये कलौंजी है, कलौंजी, ओके, ये कितनी कलौंजी है, एक चम्मच, एक चम्मच, ओके, एक चम्मच कलौंजी, इसमें पानी डाल रहे हैं, हल्का सा पानी, विनेगर वाटर, आप लोग लेमन वाटर या विनेगर वाटर इस्तेमाल कीजिएगा, इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको तरीका बता रहा हूँ कि किस शेप में बनेगा ये। अच्छा, वरना अचार में तो कहते हैं पानी अगर लगता है तो अचार खराब हो जाता है, नहीं, ये तो बड़ी कैरी प्रिजर्व है, तैयार है, नमक में रखी हुई है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है, ओके। तो इसमें आपने, आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं या जो है वो लीमू का पानी जो है वो आपने इसमें शामिल करना है मसाले लगाने के बाद, ओके, मिर्ची थोड़ी और बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा वैसे अचार, अचार नॉर्मली लोग बहुत मसालेदार खाते हैं या ठीक टेस्ट होना चाहिए? मसालेदार लोग खाते हैं, हमारे हैदराबादी अचार ज़्यादातर मसालेदार मिर्चियों वाला होता है, मिर्चियों वाला होता है, ओके, ठीक है। अच्छा अगर हमें हरी मिर्चों का या लहसुन का किसी का भी अचार बनाना है तो यही सेम रेसिपी है? सेम रेसिपी है, हाँ। इसमें हम इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, ओके। अच्छा ये बड़ा डिफरेंट तरीके से अचार बनता है, हम लोग क्योंकि पंजाबीज हैं, मैंने हमेशा अपने घर में अपनी नानी को जो है धूप में रखना, इसको लहसुन, इसको सॉरी लहसुन तो नहीं, हल्दी नमक लगा के फिर सरसों के तेल में जो है इसे बहुत दिन तक रखा जाता है, ऐसे अचार बनाते हुए देखा है। और लेकिन आज ये जो है मुख्तलिफ तरीके का अचार बन रहा है, ये आपने क्या इसमें ऐड किया है? ये इमली भी, इमली का अचार है, इमली का, कच्ची इमली का, दही मिर्ची का अचार कहलाता है, थोड़ा हमने ऐड किया मसाला बढ़ाने के लिए, क्योंकि okay. हमारे पास मसाला थोड़ा शॉर्ट था, राइट राइट। तो ये आपने इमली में जो हरी मिर्चें पका के आपने वो जो पल्प बनाया हुआ था वो अलग, वो है पल्प अलग है, ये अचार अलग है, ये हरी मिर्ची का अचार है, दही मिर्ची का अचार है, ओके राइट। तो ये आपने इसमें शामिल कर दिया, और अगर दही मिर्ची का अचार ना हो तो मसाला इसमें राई बढ़ा दें, जीरा बढ़ा दें, मसाला तैयार कर लें, ठीक है, ओके। और उसके बाद आप इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? पैन लेंगे हम। अच्छा इसको पैन, इसको भी पकाया जाएगा ऑयल को, राइट। अब वो आपके पास बर्नर रखा हुआ है, डिफरेंट तरीका है अचार बनाने का, आप घर में इजीली बना सकते हैं इससे, ओके ठीक है। क्या करेंगे आप इसके लिए, राइट, ये इन्होंने, ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये देखें आप, ये कैरी है, ये जो इन्होंने कैरी ली है इसमें पहले इन्होंने लाल मिर्चें, हल्दी, कलौंजी और साबुत धनिया जो है उसको साबुत था उसको भून के उसके बाद इन्होंने पीस लिया था, इसमें शामिल किया था। इसके बाद इन्होंने ये दही मिर्चें, दही मिर्ची का अचार मेरे पास रेडी था, वो मैंने ऐड किया, वो इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा पानी डाला है और अब देखते हैं कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। इसमें यहाँ रख देते हैं, अच्छा अब क्या करेंगे, ऑयल आपने लिया है। अच्छा हैदराबादी अचार आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं? कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, सरसों के तेल में ये नहीं बनेगा, सरसों अच्छा। के तेल का तरीका ये है, आपने कैरी ली काटी वो हम प्याज में कर लेते हैं पहले, इसको मुकम्मल कर लें फिर हम सरसों के अचार वाले तरीके की तरफ भी आएंगे। इसमें तेल तैयार होने में टाइम था इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ओके आप इस तरफ आ जाइए, मैं इधर आ जाती हूँ ताकि ईजिली जो है वो आप काम कर सकें, ओके
कड़ी पत्ता। अच्छा अच्छा, वो जो सरसों वाला तेल है उसमें तो कड़ी पत्ता नहीं डालते शायद? सरसों वाले तेल में कड़ी पत्ता नहीं डालते, जैसे बघार होते हैं ना तो कड़ी पत्ता इस्तेमाल होता है। कड़ी पत्ता है, कलौंजी है, गोल मिर्च होती है बघार वाली, वो डालते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने बहुत कम ऑयल नहीं है इसमें इतना अचार बन रहा है? अचार में ऑयल में बहुत है ये ऑयल। ओके, बहुत है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आधा तकरीबन काफ़ी हैं ये कैरियाँ। कलौंजी, कड़ी पत्ता, कलौंजी, साबित धनिया, खड़े मसाले, साबुत मसाले डाल रहे हैं इसमें। कोई बघार में हम साबित मसाले इस्तेमाल करते हैं। ओके। अच्छा, मुझे इस चीज़ की बड़ी तशवीश है कि पानी में अचार जो है, पानी से ये सिरका, आपने आपने सिरका लेना है? आपने सिरका लेना है, हमारे पास सिरका इस वक्त मौजूद नहीं था इसलिए हमने और पानी लिया। और सिरका और ऑयल मिक्स होके ये इतना ज़्यादा मतलब वो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, मार्केट में आपको सिरका मिलता है, वाइट सिरका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाइनीज सूप वगैरह के लिए, वही सिरका इस्तेमाल करेंगे अचार के अंदर। ठीक है, ओके। और ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, ये जो आपने अचार सारे यहाँ रखे हुए हैं, ये इसी तरह तैयार किए गए हैं? हाँ, तकरीबन मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, मुख्तलिफ अचार बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये बघार लगाकर आपने ये कंप्लीट इसमें डिप नहीं हुए, लेकिन ये ठीक है, ऐसे गल जाएंगे? गल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आप रखते हैं 2-4 दिन इसको, रेडी हो जाएगा अचार। इसको कवर करके आपने धूप में रखना है? बाहर रखें, बाहर रखें आप। अच्छा, ये देखें आप, ये कितना आसान तरीका है, और आपका अचार जो है बहुत जल्दी क्विकली आप अपना अचार अपने इजीली आप घर में बना सकते हैं। और भगारे बैंगन तैयार हो गए, भगारे बैंगन रेडी हो गए इस वक्त। ठीक है, अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। ऑलराइट जनाब, और वाह वाह ज़बरदस्त। मैं ये सोच रही थी, ये देखें आप, ये बाकायदा बिल्कुल गल चुके हैं, इस कंडीशन में ये बैंगन आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनकी। और वाह, अब इसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल रेडी है। रेडी है, ठीक है। सो आज की स्पेशल रेसिपी भगारे बैंगन, और ये तैयार हो चुके हैं। नॉर्मली लगता था बहुत मुश्किल होगा, इतने मसाले कैसे जो है उसमें ऐड होते होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, लेकिन बड़ा आसान तरीका है, इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। मैं बंद कर दूँ स्टोव? बंद कर दें। ओके, वेरी नाइस। और यकीनन ये बहुत मज़े के भी होंगे। राइट जनाब, ये देखें आप, आज की ख़ास डिश भगारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। अच्छा, राइट, ओके, ठीक। अच्छा, ये जो भगारे बैंगन है, जिस तरह इन्होंने कहा कि नॉर्मली इसमें जो इन्होंने मसाले भी इस्तेमाल किए हैं वो आपके घर में मौजूद होते हैं, राई भी होती है आपके पास, कोकोनट पाउडर भी मौजूद होता है, और खशखाश इन्होंने इस्तेमाल की है, ऐसा और कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। अच्छा, वो भी भगारे बैंगन मतलब जिसमें वो क्या चीज़ होती है जिसमें नट्स भी शामिल करते हैं? काजू भी है, बादाम भी है, ये सब चीज़ें? काजू वगैरह इसमें नहीं इस्तेमाल होते हैं, वो खोरमे में इस्तेमाल होते हैं, हैदराबादी खोरमा बनता है इसमें, बादाम और ये काजू और मुख्तलिफ मग़ज़ियात जितने भी हैं वो इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। भगारे में तेल, फली, खोपरा, बस तेल, फली और खोपरा, ये तीन खास इंग्रेडिएंट, चार, तेल, फली, खोपरा और खशखाश, ये चार चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप ये भगारे बैंगन जो है ये बना सकते हैं। गर्मियों का ख़ास तोहफा है, अचार बना के लोगों को गिफ्ट कीजिए, भगारे बैंगन बना के लेके जाइए, क्योंकि नॉर्मली आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर में बनाएंगे तो उसकी और ही बात होगी। ये अचार जो है ये आपने कहा 2-3 दिन आप इसको रख के इस्तेमाल करें, 2-3 दिन रख के इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद आप बॉटल में निकाल लें इसे, और आप इसको ईजिली सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप टेस्ट करें साथ मसाला हमारा। ये मैं बिल्कुल टेस्ट करती हूँ ये मसाला जो है। अच्छा, इसकी ये मैं इस एक शर्ट पे टेस्ट करूँगी, आप इसकी रेसिपी अभी हमें बताएंगे इसमें क्या कुछ है। सीक्रेट रेसिपी है ये? नहीं नहीं, नॉर्मल रेसिपी, घरेलू अचार बनने की रेसिपी है। ओके, तो घर में मसाले मौजूद रहते हैं। मज़े का है, बहुत खट्टा है, जितना अचार को खट्टा होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा खट्टा है, और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप दाल चावल के साथ, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, आप ज़रूर खाएंगे। मैं ख़ुद बहुत अचार लवर हूँ, और अचार जब आप अपने खानों के साथ खाते हैं तो इस तरह अभी ये भी जिक्र कर रहे थे कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अचार किस तरह बनता है? ये कैरी का अचार है, और इसमें आम, नींबू, मिर्ची, गाजर, चार चीज़ें ऐड की जाती हैं। इसे आप काट के इसे प्रिजर्व कर दें कैरी को, नींबू को अलग प्रिजर्व कर दें, गाजर अलग होगी और मिर्ची अलग होगी। मिर्ची फ्राई होकर डलेगी, जब आपने अचार बनाना है मिर्ची तेल चढ़ाएं, फ्राई करके निकाल लें। ओके, उसमें फिर उसके बाद जो है यही मसाला जैसे मैंने आपको बताया। कैरी का क्या करना है? कैरी को काट कर टुकड़े बना के आपको नमक में रखना है, हल्दी लगा के बहुत जार में भर के रखना है। ठीक है, ओके, तो तैयार होगी 10-15 दिन में।
गाजर भी तैयार होगी 10 से 15 दिन लगेंगे। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका ये कि ये सब चीज़ें आप निकाल लें, मिर्ची आप जो है फ्राई करके डालें। ओके ठीक है, मिर्ची, हरी मिर्ची, मिर्ची तो मिर्ची अगर नमक में रखी जाती है तो उसमें एक गंदी महक हो जाती है, वो इस्तेमाल ना करें। मिर्ची फ्रेश इस्तेमाल करें, मिर्ची का जायका आता है, मिर्ची का टेस्ट आएगा उसके अंदर। सही सही। और फिर उसको ये तरीका है, राई जीरा पाउडर आप हमारे जो होता है राई जीरा मेथी कलुंजी ये सब मसाले ऐड करके इसमें लाल, इसलिए ये रंग कम क्यों है, इसमें लाल मिर्ची कम है, इसमें लाल मिर्ची भरपूर डाली। अच्छा, मतलब इन्होंने जब भगार के लिए कड़ी पत्ता डाला था उस टाइम पर अगर ये लाल मिर्ची भी ऐड करते तो ऑयल का कलर जो है वो चेंज हो चुका। अच्छा, यहाँ ये जो एक इतनी लंबी रेंज है, तार साहब आप इधर आ जाएंगे तो मैं ये देखना चाहूंगी। हाँ अच्छा, ये आप देख सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सा अचार है। ये मिर्ची का अचार, मिर्ची का अचार है। अच्छा, गर्मियों में लसूड़े का अचार जो है वो भी बहुत, यहाँ पर मैं इस वक्त देख रही थी, लसूड़े का अचार है और इसके साथ ये मूली है, मूली का अचार, ये सब का अचार। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम ये देखें आप, ये है लसूड़े का, ये भी बहुत मजे का होता है। और ये लसूड़े, कैरी, हरी मिर्चें, लीमू, ये तमाम चीजें जो हैं इसको भी आप जो है मिक्स करके मिक्स अचार की सूरत में बना सकते हैं। पालक भाजी होती है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा खट्टी पालक होती है भाजी, इसका अचार बनता है। ये बिल्कुल हैदराबादी अलग अचार है, ये मैं निकाल के देख सकती हूँ, निकाल के देखें आप, टेस्ट करें। अच्छा, ये पिसा हुआ होता है बिल्कुल, जैसे हम बगारी पालक भाजी बना लें सिरके में जो लोग अचार बनाना चाहते हैं वो क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ अचार के तरीकेकार, और मेरी एक फेवरेट आलू बुखारे की चटनी, आलू बुखारे की चटनी उसकी रेसिपी भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज हमारे सेट पर सिर्फ अचार ही अचार हैं, खुशबू ही खुशबू है, क्योंकि गर्मी की ख़ास सौगात जहां हम आम की बात करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं, वहीं गर्मी के सादा खानों में जो है अचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अचार बनाने के आज तरीकाकार एक इस वक्त रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, भगारे बैंगन। आज ताहिर साहब ने यहाँ पर ऑन एयर आपको बनाना सिखाए भी हैं, बताए भी हैं। अगर प्रोग्राम मिस हो गया है तो आप waqtnews.tv जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, इस रेसिपी को आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। राइट, अच्छा ये जो एक खास चीज है ना, ये चटनी बहुत सारे लोगों के घरों में बनाई भी जाती है, और ये है लाल मिर्ची, लाल मिर्ची की चटनी बेसन की रोटी के साथ, ये बहुत लजीज लगती है। और इसको हम स्पून से निकाल के आपको दिखाते हैं, बहुत तेज होती है, थोड़ी सी इस्तेमाल करें, और अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है फिर तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। ये देखिए आप, ये है लाल मिर्चों की चटनी, जरा इसकी रेसिपी तो बताइए। इसमें लाल मिर्ची आप जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है, इसे पिसी हुई लाल मिर्ची दोनों मिला के भिगा दें सिरके के पानी के अंदर। ठीक है, फिर लहसुन इसके अंदर पीस के डालें, जीरा है इसके अंदर पिसा भून के पीस के पाउडर डालें, और नमक है, इमली का पेस्ट, ओके इमली का पेस्ट ऐड करें, और क्या नाम है, धनिया पाउडर है वो ऐड करें, और इसको हल्के से तेल से, हल्के बिल्कुल मामूली तेल से बगार दे दें। अच्छा। क्योंकि इसकी जो हम कहते हैं जी मिर्ची का जो रंग है ऊपर चेंज हो गया है, कालापन आ जाता है अगर बगार में नहीं, वो तेल की वजह से प्रिजर्व हो जाती है। अच्छा, मतलब प्रिजर्व करना है तो आपने तेल डालना है, अदरवाइज जिस तरह नॉर्मली हम घर में बनाते हैं कि हल्का सा आपने सोक किया गोल वाली मिर्च को, उसके साथ लहसुन को पीसा और लाल चटनी तैयार हो जाती है, तो वो आसान तरीका है। अगर प्रिजर्व करना है तो फिर एंड में आपको हल्का तेल की लेयर ऊपर आ जाए, क्योंकि प्रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो एक चीज है तार साहब, ये वाला, ये जो आप देखें ये जार, ये बहुत ही यमी, बहुत मजे का, ये इस वक्त अचार का यहाँ पर जार मौजूद है। अच्छा, इसमें ये ककड़ी है, हरी मिर्चें हैं, ये मूली है, गाजर है और ये क्या चीज है, ये लेमन है। अच्छा, और ये सिरका है, वाइट सिरके में। अच्छा, इसका क्या तरीका कार है बनाने का? इसे हर चीज को आप जैसे सलाद काटते हैं हम लोग घरों में, सलाद की तरह काट दें, ओके तैयार कर लें, फिर व्हाइट विनेगर में नमक, ओके और क्या नाम है, हल्की सी चीनी मामूली सी ऐड करें, उसके अंदर चीनी का जायका वो आता है, प्रिजर्व करती है चीनी, और इसे फिर पानी में भिगा दें, जो सिरके का पानी आप तैयार करें जो उस दिन, तो उसको 3 दिन बाद सिरके का पानी फेंक दें।
अच्छा, फिर दोबारा सिरके का पानी तैयार करके इसको दोबारा रेडी करें। ओह वाओ, ये वेरी बड़ी खास चीज है। अच्छा, ये तो आप मुझे पता है कि घरों में सिरके में उसी में डिप रहने देते हैं, वही खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होती। कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि मैक आने लगी, खराब हो गया, तो इसे पानी को चेंज करते करना है। राइट, दो दिन बाद वही तरीके का पानी तैयार करें, पानी को निकालें और धोएं ना। अच्छा। उसी पानी को निकाल के किसी उसमें टोकरी में जा निकाल लें, पानी निकल जाए, वापस बर्नी में ऐड करें, डालें, तो वही सिरके का पानी इसमें ऐड कर दें। अच्छा, मतलब आपने क्या बताया, पहले सिरके में आपने हल्का थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, उसको मिलाने के बाद आपने इस तरह सैलड की तरह ये पतली पतली सब्जियां जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां वो आप काट के डाल दें, और वो सिरका इसमें 10-15 दिन रहने दें उसके अंदर। फिर उसके बाद उसे निकालें वापस। हाँ। वापस निकालने के बाद उसे फेंक दें पानी को, फिर नया पानी तैयार करें, फिर नया पानी से उसे ऐड करें उसके अंदर और तैयार करके इस्तेमाल करना शुरू करें। ओके, राइट। तो ये आसानी से आप इस तरह जो है वो सिरके का अचार, वरना बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, आप इजीली घर में ये तकरीबन आम मार्केट के अंदर इसकी बोतल मिलेगी आपको 300 से 400 रुपए। अच्छा, ये देखें, ये जो आप इस वक्त मेरे कैमरा में देख रहे हैं ये वाला अचार जो है ये यहाँ पर भी मौजूद है। ये किस चीज का अचार? ये टेंट है। क्या है? टेंट कहलाता है, ढेला कहते हैं पंजाबी में। ओके ओके, ढेला कहलाते हैं मेमनी में, मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम है, हम लोग टेंट कहते हैं। टेंट कहते हैं आप इसे? अच्छी ले लें। अच्छा, ये जो है नरम, ये देखें आप, ये मजे की, ये चेरी जैसा अचार है और आप इसको जो है ये भी सिरके में बना, सिरके में बना हुआ है। ओके, अच्छा, कोई खास ऐसी चीज जिसका अचार लाजमी सिरके में बनना चाहिए, वो तेल में नहीं बन सकता, वो कौन सा, क्या चीज है? मुख्तलिफ चीजें हैं, सब्जियां हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। ये शलजम का अचार है, ये शलजम का सिरके के पानी के अंदर ही तैयार होगा। इसमें राई, जीरा, मेथी, कलौंजी वगैरह इसे कूट के डाल दें, ठीक है, और सिरके के पानी में ही तैयार करें। ओके, ये जैसे अपने मटर पुलाव वगैरह बनता है घर में, उसके साथ मजे का, उसके साथ मजे का लगेगा। इसके कॉम्बिनेशन, ये आप देखें, ये एक बड़ी जबरदस्त, ये शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है, करेला है, करेला। हाँ, सिरके के अंदर। हाँ, करेले की तरह बात मत करें, लेकिन अपने अंदर की बीमारी को खत्म करने के लिए करेला जरूर। नहीं, इसके से इसमें जो ना सिरके के अंदर चीनी मिक्स है, मिठास है, करेला विद मिठास हो गया है, तो मीठापन आने की वजह से करेले का टेस्ट चेंज हो गया। अच्छा, ये राउंड राउंड इस तरह, ये देखें आप करेला। अच्छा, इसमें भी यही कि आपने सिरके में चीनी डाला, करेले की कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी इसमें रखने से, सिरके में रखने से ये रेडी होगा। 10 इसका भी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आप 10 से 15 दिन रखें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जी डाला फौरन हमने खाना है। ओके, वो ना करें, वो ना करें। अच्छा, तमाम सिरके के अचार बनाने का तरीका कार एक ही है। और अच्छा, ये हरी मिर्ची है, ये रेड चिली, इनको पहले से सुखाया है? लाल नहीं, ये लाल मिर्ची आती है आपको मंडी से, हमारे पास जो माल आता है उसमें लाल मिर्ची आती है, तो हम इसमें छांटी करते हैं मिर्ची। हम लोग हम ये वेनेगर में भर के रखते हैं, ये लोग ले जाते हैं, मुख्तलिफ रेसिपीज बनाते हैं, उसमें ये पीस के ऐड की जाती है। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये है प्याज का अचार, कभी कभी जरूर खा लेना चाहिए आपको। वैसे तो सिरके में लेमन का अचार भी बहुत, सिरके में लेमन भी होता है। अच्छा, ये प्याज है और ये इसमें बड़े बड़े, आपने इसमें छोटा प्याज नहीं काटा, ये आप देखें बड़े बड़े इसके प्याज के जो है वो चंक्स हैं, क्योंकि इसमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको कि आप साफ चम्मच जो है वो अचार में डालें। अच्छा, ये जो लोगों के अचार खराब हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये झूठे हाथ, गीले हाथ डाल देते हैं। अच्छा। गीले चम्मच डाल देते हैं। हाँ। हाथ से ऐसा करके निकाल लेते हैं, सही, तो उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। अच्छा, वैसे अच्छा, प्याज का तरीका ये है कि आपने प्याज ली, प्याज के चार टुकड़े किए, ठीक है, राइट, ओके, सिर्फ इसमें नमक लगाया, नमक ला के आपने रख दिया इसको, इसका जितना रस पानी का पानी होगा सब निकल जाएगा प्याज का। प्याज का निकलने के बाद वही जो तरीके का बताया ना, नमक, सिरका, चीनी ऐड करके पानी के अंदर सिरके में ऐड करके ये चीजें, ठीक है, वही प्रोसेस है, 10 से 15 दिन रखें, पानी चेंज कर दें, प्याज इसी कंडीशन में रहेगी और प्याज खराब नहीं होगी, महक नहीं आएगी प्याज के अंदर, टेस्ट खराब नहीं होगा, ठीक है। ये आप देखें, ये इस तरह से आपने एक प्याज, इन्होंने बड़ा प्याज लिया और इस तरह से उसके जो है इन्होंने ये चार पीसेस किए ऐसे आपने करके, और फिर इसको सिरके में डिप करके रखना है। अच्छा, ये तो नॉर्मल, इससे यहाँ पे मिक्स अचार है, प्याज है कि प्याज जो है हजरत अली का कॉल है, अपना शहर चेंज करो। हाँ। 25 किलोमीटर बाद वहाँ की प्याज इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको वो जो है वहाँ के जो वबा होती है, वबा होती है, उससे बचा जा सकता है। राइट, तो आप प्याज से जरूर इस्तेमाल करें। ये अदरक है, अदरक है, ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। अदरक आपने स्लाइस काटे, बारीक बारीक स्लाइस काटे, उससे जो है सिरके में तैयार कर लिया। अगर मसाले में तैयार करना चाहते हैं, यही प्रोसेस है, आप मसाले में तैयार कर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक और तरीका एक आ रही है, तो बहुत ही आसान बताया आपने कि सिरका में डिप करके, और जिस तरह आपने हल्के सॉइल का भगाड़ लगाया, जो एक बड़ा पुराना कदीम तरीका कार है, जो हम अभी सरसों के तेल की बात कर रहे थे, सरसों के तेल वो कैसे बनाते हैं? कैरी ली आपने, कैरी लेके उसे आपने हल्दी लगाया, नमक लगाया, धूप में सुखा दिया, ठीक है, कितने दिन? 2-4 दिन धूप में सुखाया, उसका बिल्कुल रंग
कैरी सूख गई बिल्कुल, तो उसे लेके आया आपने नीचे, उसने बाजार में भरा, फिर उसमें सूखे मसाले, अच्छा, सारे सारे मसाले जो राई, जीरा, मेथी और अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, ये सब चीजें आप सूखे, राई, जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, कुटी हुई मिर्ची, सौंफ, हल्दी, सौंफ, ये सब आपने दलदला कूटा, उसके अंदर मसाला मिलाया, कैरी के अंदर बाजार में भर दिया। सरसों का तेल, बहुत से लोग कच्चा ही सरसों का तेल डाल देते हैं। मैं जो है जो बनाता हूँ, जब मैं ये बनाता हूँ अचार रेसिपी किसी को बना के देता हूँ, तो पका हुआ तेल डालता हूँ। पके हुए तेल से ये होता है उसके अंदर जो हीक होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने वो उसमें जार में ऑयल डाल देना है और धूप में रख दिया, कपड़ा मलमल का बांध के उसके ऊपर, वो क्या नाम है, कप रख के धूप में रख दिया, उसको दो चार दिन बाद उसको हिलाते रहे, ठीक है। अब देखा आपने मसाले ने तेल कम होने लगा है, आपने तेल ऐड कर दिया उसके अंदर। तेल तकरीबन 2 से 3 इंच ऊपर रहना चाहिए अचार से। हाँ, ये बड़ी खास चीज है, मतलब जिस तरह अगर हम ये देखें कि अगर आपके पास इतना अचार है तो इससे ऊपर तक आपका जो है एक लेयर अलग से होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अचार अगर खराब हो जाता है, कुछ लोगों के बहुत खराब हो जाता है अचार, वजह क्या होती है अचार के खराब होने? जो लोग नहीं डाल सकते, जिन लेडीज को इजाजत, मतलब जो एक बात होता है कि मेरी नानी डालती नहीं, मेरी मामी नहीं डाल सकती, तो वो विनेगर वाटर इस्तेमाल करें। Okay. प्रिजर्व करने के लिए विनेगर वाटर इस्तेमाल करें, विनेगर वाटर उसमें ऐड कर दें, क्योंकि उनके हाथ में वो तासीर नहीं है, जो मतलब एक आदमी के हाथ में जो तासीर, ये सच बात है, अचार बनाने के लिए भी हाथ का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ हाथों से अचार अच्छे बनते, कुछ से नहीं बनते। आज स्पेशली खास तौर पे हमने तमाम अचार जो हैं उनको हमने जिक्र किया। बहुत सारी चटनियाँ ऐसी हैं जो आपके दस्तरखानों की जीनत बनती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ताहिर साहब को बुलाएंगे और हम उन चटनियों का भी जिक्र करेंगे और उन चटनियों को भी बनाएंगे। मुख्तलिफ चटनी है, मुरब्बे भी हैं बहुत, ये पैरी पैरी सॉसेस हैं, मुख्तलिफ सॉसेस हैं, ये मैं बनाता हूँ अपनी शॉप पे, मेरी है मौजूद पैरी पैरी सॉसेस वगैरह, तो हम इंशाल्लाह ये तैयार करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपका भगारे बैंगन अचार जरूर बनाएंगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह आप सबको महफूज रखे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।